प्रोग्राम बैसारे भैया ने, तो किसान भाइयों, जो आपने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा कि जो आज हम वीडियो है वो किस टॉपिक के ऊपर बनाने जा रहे हैं, तो जो टॉपिक है वो है कि जो गाय भैंस का दूध बढ़ेगा गारंटी से। गारंटी शब्द का प्रयोग किस लिए यूज किया है कि दोस्तों, अगर आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो जो गारंटी वाली गारंटी होती है उसी से ही आपका दूध बढ़ जाएगा। आपको न ही कुछ मेडिकल स्टोर से ज़्यादा लेना है व न ही कुछ आपको और अटरम सटरम चीज़ें लेनी है। तो दोस्तों, बिना किसी टाइम गवाए आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जो भाई चैनल पर नए आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो नीचे लाल सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसको काला बनाए दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कोई एक पैसा भी नहीं लगेगा। अब बात करते हैं कि हम अपने जो पशु हैं उनका दूध कैसे बढ़ा सकते हैं। आपको YouTube के ऊपर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, उनसे अलग आपको एक चीज़ बताएंगे कि आप अपने पशुओं का दूध कैसे बढ़ा सकते हैं बिना किसी खर्च किए हुए। आपको केवल जो मैं चीज़ बताऊंगा वो आपके घर में ही आपको आसानी से मिल जाएंगी। उनमें आपको मात्रा समान रूप से लेनी है और मैं आपको साथ साथ बताते बताऊंगा कि कितनी मात्रा लेनी है। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है कि 50 ग्राम आपको तिल लेने हैं। तिल तो सारे भाई जानते होंगे और जो वीडियो देख रहे हैं वो फार्मिंग से रिलेटेड होंगे और सारे भाइयों को पता होगा कि जो तिल है वो कैसे आते हैं। और अपनी सौंफ आती है एक सौंफ, जो 50 ग्राम लेनी है। वह एक जो ड्राई जिंजर या सौंठ बोला जाता है वो भी आपको 50 ग्राम लेने हैं। और जो जीरा है आपका, आप अपने घर में यूज करते हैं जीरा, वो आपको 50 ग्राम जीरा लेना है। इसके साथ आपको 150 ग्राम घी लेना है, देसी बिल्कुल। अगर आप समझने की बात है इस फॉर्मूले को कि अगर आप अपनी भैंस के ऊपर इसको यूज कर रहे हैं तो आपको जो गाय का देसी घी लेना है, और अगर आप इसको गाय के ऊपर यूज कर रहे हैं तो आपको भैंस का देसी घी लेना है। घी लेने के बाद आपको 150 ग्राम गुड़ लेना है। इन सभी को अच्छी तरह कूट कर मिला लीजिए और खुराक आपको शाम को देनी है। शाम को कब? जब अपने पशुओं को आप पानी पिलाकर बांध दे उस समय ये खुराक देनी है। और जो मैंने सारा ये आइटम बताए हैं ये आपको केवल एक खुराक के अंदर ही देनी है। कंटिन्यू आप इसको 3 दिन दे दीजिए, आपको जो रिजल्ट है वो आपके सामने आने लग जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि सप्ते में इसको 2 दिन दे दीजिए। अब खुराक की तो बात हो गई कितने दिन देनी है, अब शुरू कब से करना है? जब आपका पशु ब्याज जाए उसके 15 से 20 दिन बाद इसको आपको शुरू करना है, न कि पहले। पहले भाई, अगर कोई भाई इसको पहले यूज करे उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी, अगर दूध नहीं बढ़े पशु भी खराब हो सकता है। इसलिए ये बेटर ये रहेगा कि आप उसको 15 से 20 दिन के बाद दें। और बात आती है अब कि इसको कब बंद करें, जब आपका पशु गाभिन हो जाए उसी दिन से इसको बंद कर दीजिए। और बात आती है अब कि आपका पशु का दूध कब नहीं बढ़ेगा, सीधी बात है ये। तो बात है वो ये है कि अगर आपके पशु के बच्चेदानी में इन्फेक्शन है तो आप बाइचम किमी दे लीजिए, आपका पशु का दूध नहीं बढ़ेगा। अगर आपके पशु के अंदर है जो पोषक तत्व है उनकी कमी है या न्यूट्रिशंस की कमी है तो भी भाजी आप किमी दे लीजिए, आपका दूध नहीं बढ़ेगा। और तीसरी, अगर आपके भैंस की नस्ल ही अच्छी नहीं है तो भाई फिर दूध तो कहाँ बढ़ेगा। ये नहीं कह रहा है कि भाई जो अपनी हरियाणा में फेमस है मुर्रा भैंस है वो ही दूध देती है, दूध अपनी देसी नस्ल भी दे देती है। परंतु कई बार होती है जैसे माँ आपकी उस भैंस की दे रही है 6 किलो दूध है, आप उसको 12 किलो दूध कहाँ से दिला दोगे? मानते हो नहीं ये बात है? तो भाई सारे हिसाब देखने पड़ते हैं। और अगर आपकी भैंस बिल्कुल बढ़िया है, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, तो दोस्तों निश्चित ही यह फार्मूला आप यूज करने के बाद आपको 4 से 5 किलो का अंतर अपने पशुओं के दिख जाएगा। और अगर भाई वीडियो आपने अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।
और सीमा पर जवान और खेत में किसान जो भाई लगे हुए हैं उनको बार बार धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद।